सोशल मीडिया और व्हाट्सएप पर एक बिल्डिंग की तस्वीर वायरल है। दावा किया जा रहा है कि ये जेएनयू का जम्मू एंड कश्मीर हॉस्टल है, जो कि 2012 में कांग्रेस ने बनवाया था। ये भी बताया जा रहा है कि इस हॉस्टल में 400 कमरे हैं और यहाँ सिर्फ जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स ही रह सकते हैं और कोई भी गैर मुस्लिम इस हॉस्टल में नहीं रह सकता। साथ ही ये भी दावा किया गया है कि इस हॉस्टल में रहने के लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। यही तस्वीर मई में ट्विटर पर भी वायरल हुई थी, लेकिन तब इसे जामिया का बताया गया था। ऑल्ट न्यूज इस बिल्डिंग की इस दावे की सच्चाई आपके सामने रखेगा। असल में ये जेएनयू नहीं बल्कि दिल्ली में ही स्थित जामिया मिलिया इस्लामिया में बने जम्मू कश्मीर हॉस्टल की तस्वीर है, लेकिन इसकी असलियत ये नहीं है जो व्हाट्सएप पर शेयर की जा रही है। इस हॉस्टल का उद्घाटन 2017 में हुआ था, जब केंद्र में भाजपा की सरकार थी। उस वक्त के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने जम्मू कश्मीर की तत्कालीन मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती को इसके उद्घाटन के लिए बुलाया था। आपको ये भी बता देते हैं कि ये वही दौर था जब भाजपा ने पीडीपी के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में सरकार बनाई थी और कुर्सी पर महबूबा मुफ्ती बैठी हुई थी। ये सरकार 2 साल 77 दिन चली थी। नवंबर 2017 में हुए प्रदर्शनों के चलते इस हॉस्टल का उद्घाटन टाल दिया गया था। मोटे तौर पर यह समझ लीजिए कि स्टूडेंट्स उद्घाटन के लिए आने वाले अतिथियों यानी राजनाथ सिंह और महबूबा मुफ्ती से नाखुश थे। द हिंदू ने 17 नवंबर 2017 को इस हॉस्टल पर रिपोर्ट करते हुए लिखा था कि इसमें 135 कमरे हैं, तो फिर ये 400 का आंकड़ा कहां से आया? असल में जब ये हॉस्टल बनकर तैयार हुआ था तो इसमें 400 बेड्स थे, जबकि वायरल मैसेजेस में कमरों की संख्या 400 बताई गई। तो इस हॉस्टल की रूपरेखा कैसे तैयार हुई? साल 2012 में जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी और यूपीए 2 के बीच एमओयू पर साइन हुए थे। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक हॉस्टल बनने के प्रोसेस में तेजी 2016 और 2017 में गृह मंत्री राजनाथ सिंह के जम्मू कश्मीर के कई दौरों की वजह से आई। यानी हॉस्टल बनाने का फैसला तो 2012 में यूपीए 2 के शासनकाल में लिया गया था, लेकिन ये बना उस वक्त है जब केंद्र में भाजपा थी और भाजपा जम्मू कश्मीर में पीडीपी के साथ मिलकर राज कर रही थी। ऑल्ट न्यूज ने जामिया के जम्मू एंड कश्मीर हॉस्टल की पूर्व हेड डॉक्टर सबीहा जैदी से बात की। उन्होंने हमें बताया कि हॉस्टल में राज्य और धर्म के आधार पर सुविधा नहीं मिलती है। उन्होंने कहा कि हॉस्टल में कैंपस के बाकी हॉस्टल्स की ही तरह सभी रेगुलर छात्राओं को सुविधा दी गई है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट और जम्मू कश्मीर की छात्राओं को प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि अमूमन उन्हें कहीं और जगह मिलने में दिक्कतें होती हैं। इसके साथ ही उन्होंने ये भी साफ किया कि इस हॉस्टल में मुफ्त में रहने को नहीं मिलता है, फीस देनी पड़ती है। जामिया के 2019-2020 हॉस्टल मैनुअल के मुताबिक अब इस हॉस्टल में 700 बेड्स हैं। ऑल्ट न्यूज यहाँ एक बात और साफ कर देना चाहता है कि जामिया की तरह जेएनयू में कोई भी जम्मू कश्मीर हॉस्टल नहीं है। कुल मिलाकर वायरल तस्वीर के साथ किए जा रहे दोनों दावे गलत हैं। यानी शेयर की जा रही तस्वीर जामिया के जेएनके हॉस्टल की है, न कि जेएनयू के, और दोनों में से कोई भी कॉलेज जम्मू कश्मीर के मुस्लिम छात्रों को मुफ्त हॉस्टल सुविधा नहीं देता है।